दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको WhatsApp की प्राइवेसी सेटिंग के बारे में बताऊंगा। ये बहुत ही ज़रूरी है और हर एक को ये कर लेनी ही चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आप इस सेटिंग्स को करें तो मेरी इस वीडियो को आखिर तक देखें, मैं आपको फुल डिटेल के साथ बताऊंगा। मेरा नाम है गुलाम मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा टेक। चलें बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने अपने WhatsApp को ओपन कर लेना है। देन आपको राइट कॉर्नर पर ये नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करें एंड सेटिंग्स पर चले जाएँ। सेटिंग में जाने के बाद आपने यहाँ पे फर्स्ट पे अकाउंट्स में जाना है। देन आपको सबसे ऊपर प्राइवेसी नज़र आ रहा होगा, प्राइवेसी पे क्लिक करें। देन इसके सामने आपके सामने ये पांच सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। सामने आपको नज़र आ रहा होगा लास्ट सीन, प्रोफाइल फ़ोटो, अबाउट, स्टेटस एंड रीड रेसिपियंस। लास्ट सीन पे क्लिक करें और ये देख लें यहाँ पे पहले मैंने खुद सेटिंग की है। यहाँ पे आप भी नोबडी कर लें। यहाँ पे WhatsApp की तरफ से एवरीवन हुआ होता है, यानी कि आपने कोई भी, आप जब भी ऑनलाइन होंगे आपका बताया जाएगा। मैंने यहाँ पे नोबडी किया हुआ, यानी कि मुझे कोई भी लास्ट सीन मेरा नहीं दे सकता। देन आप ये सेटिंग करने के बाद आप प्रोफाइल फ़ोटो पे आ जाएं। ये भी प्रोफाइल फ़ोटो पे भी WhatsApp की तरफ से एवरीवन किया होता है बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल फ़ोटो को अगर नोबडी करना चाहते हैं तो नोबडी कर लें, अगर माय कॉन्टैक्ट्स करना चाहते हैं तो माय कॉन्टैक्ट्स कर दें। मैंने आपको नज़र आ रहा होगा माई कॉन्टैक्ट किया, आप जो भी करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें वो हो जाएगा। ये देख लें अभी मैंने आपके सामने नोबडी कर दिया और यहाँ पे आपको नीचे नज़र आ रहा होगा तीसरे नंबर पे अबाउट। अबाउट यानी कि आपने जो भी अपने स्टेटस के नीचे लिखा हुआ, यानी कि अपने प्रोफाइल फ़ोटो के नीचे दिया हुआ अपना अबाउट के बारे में आपने जो भी डिटेल बताई हुई है वो है। यहाँ पर आप अगर नोबडी रखना चाहते हैं नोबडी कर लें, माई कॉन्टैक्ट्स रखना चाहते हैं माई कॉन्टैक्ट्स कर लें। अगर आप एवरीवन करना चाहते हैं कि आपको एवरीवन का मतलब है कि हर कोई आपकी जो भी ये स्टेटस है आपको ये देख सकेगा। मैंने इस वक्त नोबडी किया हुआ है, इस पर भी बाय डिफ़ॉल्ट होता है एवरीवन WhatsApp की तरफ से, ये आपको स्टेटस नज़र आ रहा है। यानी कि आप जो भी अपना स्टेटस लगाएंगे वो आपके आपके कॉन्टैक्ट्स को जाना चाहिए, यानी कि आपके कॉन्टैक्ट्स के एक्सेप्ट जाना चाहिए, या फिर आप जिसको ओनली शेयर करेंगे। ओनली शेयर विद का मतलब है कि आप जिसको भी शेयर करेंगे ये सिर्फ उसी को ही जाएगा, और माय कॉन्टैक्ट्स कि आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उसमें जाएंगे। और माय कॉन्टैक्ट्स एक्सेप्ट का मतलब है कि आपके कॉन्टैक्ट्स के अलावा जितने भी इसके अंदर यानी कि ग्रुप्स वगैरह में भी हैं सब की तरफ वो आपका स्टेटस जाएगा। आप यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट माय कॉन्टैक्ट्स ही होता है। यहाँ पे आप ओनली शेयर विद कर सकते हैं, यानी कि किसी के साथ जिस तरह भी कर मैनुअली कर लें। यहाँ पर डन कर दें। जो आपको नज़र आ रहा होगा नीचे पाँचवें नंबर पर रीड रेसिपियंट, ये बाई डिफ़ॉल्ट WhatsApp की तरफ से टर्नड ऑफ हो आते हैं। टर्नड ऑफ होने का मतलब ये है कि आप जो भी मैसेज करेंगे और इसको जब भी मैसेज आपको आएगा आप उसे देखेंगे तो दूसरे को आपका ब्लूटूथ नज़र आएगा, यानी कि उसको पता चल जाएगा कि आपने मैसेज आपका देख लिया या नहीं देखा। अगर आप इसको टर्न ऑन कर देते हैं तो इसका ये मतलब है कि आप उसके मैसेज को देख भी लेंगे तो उस शख्स को पता नहीं चलेगा कि आपने उसका मैसेज सीन किया है या नहीं सीन किया है। इसको आप टर्न ऑन करके देखिए करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है, क्योंकि इसके में ये है कि आपका कोई भी मैसेज नज़र ही नहीं आता कि आपने किसी का सीन किया भी है या नहीं किया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। खुदा हाफिज़।